प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जब आप बच्चे होते हो ना, आप बचपन में चले जाओ थोड़ा, तो फ्री थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। माँ डांटे, ए भोजन करके जा, आ रही हूँ आ रहा हूँ मम्मी, और 2 घंटा गुल, खेलो कूदो मस्ती करो। बेचारी माँ और पिता दोनों परेशान, आपको दुनिया भर की, उसको चिंता होगी आपके दुनिया आई अंगूठे पे। होता था नहीं होता था? बचपन में यही होता है कि नहीं? बड़े हो गए, अपने आप को कुछ समझने लग गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, सिर पर दुख और सुख क्या है पता चलने लगा, दुख के साए आने लगे, चिंताएं बढ़ने लगी, तनाव बढ़ने लगे, उतनी उतनी मुसीबतें बढ़ने लगी, और उतने उतने हमारा प्रसन्नता और खुशी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। ठीक है ना? सही है। बचपन में कोई चिंता हमें नहीं थी, न कमा के लाने की, आटे दाल का भाव क्या है वो हमें पता नहीं था, इसीलिए रोटी की थाली भी उठा के माँ के सामने फेंक देते, मुझे नहीं खाना है। माँ बेचारी रोटी लेकर पीछे पीछे घूमती है, बेटा खा ले, आपका मूड नहीं है, आप नहीं खाते। कितने ही अच्छे व्यंजन क्यों ना बना ले, आप नहीं खाते, क्योंकि आपको कमा के लाने की जिम्मेदारी नहीं है। माता पिता को ही बच्चे का लालन पालन करने की जिम्मेवारी है। ठीक, पक्की बात? क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने पैदा किया है, तो हमारी जिम्मेवारी उनकी है, हमारी नहीं। ऐसे ही जब जीव अपनी जिम्मेवारी पैदा करने वाले परमात्मा पर छोड़ता है, तो आपके लालन पालन की जिम्मेदारी भी परमात्मा को उठानी है। योग क्षेम वहामि हम, मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूं। पर कब? जब अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। तो जैसे बच्चा है तो उसे अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है, माता पिता बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा माता के आश्रित है। जब तक बच्चा माता पिता के आश्रित है, तब तक माता पिता पूरी जिम्मेवारी से बच्चे का हित करते और उसके कुशल क्षेम का वहन करते हैं। ठीक है ना? बच्चे की शादी कराना, लड़की देखना, लड़की अच्छी आए उसकी भी जिम्मेवारी उठाना, बच्चे को कोई रोग हो गया तो हॉस्पिटल ले जाना, हर खर्चा माता पिता उठाते हैं। और हम लोग कैसे हैं कि जिस परम पिता ने हमें पैदा किया, हमें उस पर रत्ती मात्र भी भरोसा नहीं। जैसे तो कि सूर्योदय हम करते और सूर्यास्त भी हम करते, सारी दुनिया हम चलाते, ऐसे तो बोझा लेकर चलते हम तो यहां तक कहते हैं बाबा आपको कि जब आप पैदा नहीं हुए थे और होने वाले थे, तब माता के शरीर में दूध बना था ना, आपने चिट्ठी लिखी थी फलाने फलाने मेरे माता पिता बनने वाले हैं, मेरे आने की व्यवस्था करो, क्या था आपने कहा था आपने? नहीं हुई ना व्यवस्था? हुई ना? माता के गर्भ में ऐसी व्यवस्था है, अगर आप इस शरीर की रचना देखोगे ना, ईश्वर के प्रति आपका अभाव से मन कृतकृत्य हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। माता के पेट में बच्चे की ऐसी व्यवस्था है कि माँ अगर ठंड में जाती है, सर्दी अधिक पड़ती है, गर्मी ज्यादा होती है, फिर भी माता के गर्भ में पलते हुए बच्चे को ठंड और गर्मी का असर नहीं होता, ऐसा टेम्परेचर परमात्मा ने गर्भ में सेट किया। ये व्यवस्था ईश्वर की है, आपकी नहीं। तो जिस परमात्मा ने आपको जन्म देने के समय इतनी अच्छी व्यवस्था की, मां 9 महीने तक चलती फिरती, आप समझ सकते हो
कि कोई चीज अगर उल्टी लटकी हुई हो तो उसे गिरने में कितनी देर लगती है। 9-9 महीने तक वही बच्चा माता के गर्भ में पलता है बिना गिरे, क्योंकि उसकी व्यवस्था ही ऐसी है, उसकी झिल्ली ऐसी है गर्भ की कि आप उसमें बड़े आराम से पलते हो। माता अगर सर्द में जाती है तब भी बच्चे पर सर्दी का असर नहीं होता। माता अगर अधिक गर्मी में जाती है तब भी बच्चे पर गर्मी का असर नहीं होता। ये व्यवस्था जब आप बाहर आते हो, दुनिया में आते हो, उसी समय माता के शरीर में दूध बनने की व्यवस्था होती है। क्या आपकी ताकत है? ये आपकी ताकत है? नहीं। हवाएं चल रही है, क्या आप बहाते हो? सूर्य हर रोज आपके लिए प्रकाशित होते हैं, क्या आपकी ताकत से? नदियां पानी देती है, अभी भी आपकी सांसें चल रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी जगह पर होल हो, किसी जगह पर अगर होल है, छिद्र है, तो वहां से पानी या हवा का रुकना संभव है या जाना अवश्यंभावी है? जाना सरल है या रुकना सरल है? जाना सरल है, पक्का? अगर यहां पर छिद्र है तो यहां से हवा जाना सरल है या रुकना सरल है? जाना सरल है, ठीक है। आपके शरीर में 9 छिद्र हैं, कितने? यहां से हवा जाती है और आती है। अगर तो ये चली जाए तो ये सरल है, पर ये फिर भी रुकी हुई है, ये ईश्वर की व्यवस्था है, पकड़ी हुई है ना। ये हवा कानों से आ रही है और जा रही है। हवा पसार होने के लिए है, रुकने के लिए नहीं होती है। पानी को अगर तो रुकना है तो आपको उसके लिए बांध बांधने पड़ते हैं। कटोरी चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, टंकी चाहिए, पर यदि पानी को बहाना है तो कुछ नहीं चाहिए। पानी का फ्लो सहज में, हवा को बहाना है तो हवा निकलने के लिए बड़ी सहज है, पर हवा को रुकने के लिए मेहनत है। हवा कभी रुकती नहीं। आपकी ये जो हवा चल रही है, जो सांसें चल रही है, ये एक दिन में आप कितनी बार सांसें लेते हैं? 21,800। और सारे जीवन में आप कई लाख बार आप सांस ले चुके होते हैं। अगर तो ये सांस बाहर निकली और अगर वापस ना आई, ये सरल है और ये संभव है, पर फिर भी ये चल रही है और आपके शरीर में टिकी हुई है, यही परमात्मा की व्यवस्था है, ईश्वर की कृपा है। एक कान से निकल के दूसरे से निकल रही है, और नाक से निकल के फिर से नाक में जा रही है। एक बार निकल जाए ये सरल है, हवा का चले जाना आसान है, पर टिकना बड़ा मुश्किल। टिका हुआ है ना? पानी का बह जाना सरल है। आपके शरीर में 70% जल का स्थान है, 70% आपका शरीर जलीय है, कहीं बह रहा है, जितना जरूरी है उतना निष्कासित हो रहा है, जितना नहीं उतना टिका हुआ है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। फिर भी यदि हम मानव जीवन में परमात्मा का धन्यवाद देते हुए, यदि उसके नाम जप में या सत्संग में अपना समय ना बिताएं, तो हम जैसा महामूढ़ इस धरती पर दूसरा नहीं होगा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा।